डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज आपसे ऊर्जा उपापचयन पे बात करने जा रही हूँ। ऊर्जा उपापचयन दो शब्दों से मिलके बना है, जिसमें एक शब्द है ऊर्जा या एनर्जी और दूसरा है उपापचयन, जिसे उपापचय भी कहा जाता है या मेटाबॉलिज्म। एनर्जी मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए दोनों ही शब्दों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ऊर्जा उपापचयन को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो निरंतर कुछ न कुछ कार्य करता है। आप बच्चों सो के उठते हो, उसके बाद उसमें आपका चलना भी आता है, आप ब्रश कर रहे हो वो भी आता है, नहाना भी आता है, चाय पीना, नाश्ता करना, खाना खाना, तैयार होना, सारी एक्टिविटीज आ रही है। आप पढ़ाई करते हो, आप मेरा वीडियो सुन रहे हो, आप लिख रहे हो कुछ, अगर कोई खाना बनाता है तो खाना बना रहा है, कोई साइकिलिंग करता है, डांस करता है, वो कार्य कर रहा है। यानी मनुष्य जो है दिन भर में कई सारे विभिन्न कार्य करता है और इन सारे कार्यों को करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के वो ये विभिन्न कार्य नहीं कर सकता है और यही जो ऊर्जा होती है उसे भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। यानी मनुष्य ये जो विभिन्न कार्य कर रहा है ये अपनी इच्छा अनुसार कर रहा है और ऐसे कार्य जो कि उसकी इच्छा के कारण से हो रहे हैं, ऐसे कार्यों को हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। परंतु कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं, आपकी इच्छा का मतलब बच्चों यहाँ पर ये हुआ कि आपका कंट्रोल नहीं है एक तरह से उन कार्यों पे, स्वतः आपके शरीर में चल रहे हैं। इच्छा तो इसलिए होगी कि होने चाहिए ये कार्य, क्योंकि हमें इस जीवन को जीना है, पर वह आपके कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, तो ऐसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, हम ऐच्छिक क्रियाएं किसे कहा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत आता है हम कुछ क्रियाएं जो हैं अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, नहाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, खाना खाना, है ना, साइकिलिंग करना आदि कार्य। और इन क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती है वो क्रियाशील होती है और ऐसे क्रियाओं को हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। हमारा शरीर में कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती है जो स्वतः चलती रहती है, यानी कि वह अपने आप चलती रहती है और इसके लिए हमारे शरीर के आंतरिक अंग जो होते हैं वो क्रियाशील रहते हैं तथा अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित करते हैं, जैसे कि हृदय का धड़कना, सांस का लेना, सांस का छोड़ना, रक्त परिसंचरण, वृक्क द्वारा मूत्र का निर्माण, ग्लाइकोजन का बनना, उसका जमा होना, है ना। तो ये सारी जो क्रियाएं होती है ये अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है और इसके लिए क्योंकि हमारे शारीरिक आंतरिक अंग कार्य कर रहे हैं तो उनको करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी मानव का शरीर जो है उसकी तुलना एक मशीन से की जाती है। जिस प्रकार मशीन जो होती है उसको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव रूपी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यही जो ऊर्जा होती है मानव को भोजन से प्राप्त होती है। अभी हम बात कर रहे थे बच्चों हमारे शरीर की ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं की, यानी कि कार्य की, है ना। अब हम बात कर रहे हैं इस स्लाइड में उपापचय की। उपापचय जो होता है या मेटाबॉलिज्म जो है वह दो शब्दों से मिलके बना हुआ होता है, एक होता है अपचय और दूसरा होता है उपचय। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, है ना, भले आप खेल के मैदान में खेल रहे हो या आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप लेटे हुए हैं बिस्तर पे,
आप साइकिलिंग कर रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उस समय पर आपके शरीर में उपापचय की क्रिया हर्षण होती रहती है ना? तो ये जो उपापचय है या मेटाबॉलिज्म है, वो है क्या? तो शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इसका सम्मिलित रूप होता है उपापचय। इसमें दो चीजें आ रही है बच्चों, भोज्य पदार्थों का टूटना भी आ रहा है और नए पदार्थों का बनना भी आ रहा है। और इन दोनों ही चीजों को जब हम अलग अलग कर देते हैं, तो एक को कहा जाता है अपचय और दूसरे को कहा जाता है उपचय। अपचय को हम इंग्लिश में कैटाबॉलिज्म कहते हैं और उपचय को इंग्लिश में एनाबॉलिज्म बोला जाता है। पहले हम बात करेंगे अपचय की या कैटाबॉलिज्म की। अपचय का तात्पर्य होता है भोज्य पदार्थों के टूटने और विभक्त होने की क्रिया, जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है। इसका विपरीत होता है उपचय या एनाबॉलिज्म। शरीर में निर्माणकारी क्रियाएं जैसे मांसपेशियों का निर्माण होना, रक्त का बनना, हड्डियों का निर्माण होना आदि जो भी सारे कार्य हैं, जो नए पदार्थों को बनाने की प्रक्रिया है, वह उपचय के अंतर्गत आती है। यानी उपापचय या उपापचयन जो शब्द होता है, ये दो चीजों का सम्मिलित रूप होता है। उपापचय इज इक्वल टू अपचय प्लस उपचय। यानी मेटाबॉलिज्म की दोनों जो क्रियाएं हैं, वह हमारे शरीर में कंटिन्यूअस या लगातार रूप से चलती रहती है। इस स्लाइड में बताया है उपापचय इज इक्वल टू अपचय प्लस उपचय। शारीरिक वृद्धि के समय उपचय की जो क्रियाएं होती है, यानी निर्माणकारी जो क्रियाएं हैं, वह अधिक होती है, परंतु वृद्धावस्था में अपचय की क्रियाएं, मतलब टूटने की क्रियाएं, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, निर्माणात्मक क्रियाएं कम होती जाती है, क्योंकि वृद्धि विकास तो कम हो गया है, परंतु जो शरीर की निरंतर टूट फूट हो रही है, उस चीजों को मेंटेन करना जरूरी होता है, तो अपचय की क्रियाएं इस समय पे अधिक हो जाती है। उपापचय शरीर की कोशिकाओं के भीतर होने वाला एक रासायनिक परिवर्तन है, मतलब हमें बाहर से नहीं दिख रहा है, हमारे शरीर के अंदर की जो सेल्स है उसके अंदर केमिकली चेंजेस हो रहे हैं। कोशिकाओं में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों में कई एंजाइम भाग लेते हैं, है ना? मतलब ये जो क्रियाएं हो रही है, उसमें कई सारे एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो इसको मदद करते हैं। ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी हमने जो तीनों न्यूट्रिएंट पढ़े हैं बच्चों अभी तक के, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका वसा है, उनका जब भी ऑक्सीकरण होगा, वह हमारे शरीर को जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। यह ऊर्जा जो होती है, यह विभिन्न क्रियाकलापों को पूर्ण करने के काम में ली ली जाती है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा की। अभी आपने उपापचय को समझा और ये जो चैप्टर है वो है ऊर्जा उपापचय का। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा की। ऊर्जा जो होती है, हमने कहा भोजन से प्राप्त होती है और यह हमारे शरीर के सारे कार्यों को करने में मदद करती है। तो ये ऊर्जा क्या है? शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। अर्थात ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिससे शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती है तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है। कहने से तात्पर्य यह हुआ, ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर को कार्य करने में मदद करती है। कैसे मदद करेगी? कि वह हमें शक्ति प्रदान करेगी जिसके द्वारा हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो क्रियाशील होगी और शरीर को कार्य संपन्न करवाने में मदद करती है।
ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, या हम ऐसे कह दें कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है ऊर्जा का, वह सूर्य का प्रकाश होता है, यानी सनलाइट होता है। पौधे जो होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे जड़, तना, पत्ती, फल, बीज आदि के रूप में संचय करते हैं, और जो ये भोजन उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में संचित हो जाता है, और इसी भोजन को बच्चों हम खाते हैं। जब इस भोजन को हम खाते हैं तो उसमें क्या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उस अकॉर्डिंग वो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करेगा। यहाँ पर समझाया हुआ है कि किस तरीके से पौधे अपने शरीर में ऊर्जा जो है ले रहे हैं सूर्य के प्रकाश के द्वारा, और फिर फूड का निर्माण कर रहे हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा या सनलाइट के द्वारा अपने शरीर में वो संचित करते हैं रासायनिक ऊर्जा को, यानी सौर ऊर्जा जो है वो परिवर्तित हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। तो सबसे पहले हरी पत्तियां जो होती है उसमें क्लोरोफिल होता है, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जड़ जो होती है पौधों की वह जमीन से पानी लेती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी होती है, यानी दिन का समय जब सनलाइट हो उस समय पर यह C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहा है, साथ में ऑक्सीजन गैस दे रहा है जो कि हम श्वसन क्रिया के द्वारा काम में लेते हैं। इसके द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट निर्मित हो रही है उसी का संचयन पेड़ पौधों में हो जाता है। ये जो ऊर्जा होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में पौधे में बन रही है, जिसे कि हमने कहा कि यह रासायनिक रूप होता है, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि यह कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के रूप में उसके अंदर संचित हो जाती है। यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं वह होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। यानी सबसे पहले बनता कार्बोहाइड्रेट है, परंतु वो तीन फॉर्म्स में जो है परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन जो होता है, जब इनका ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उस ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है जिससे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, यानी वह भोजन को बना रहा है। ये भोजन हमने खाया, खाया तो हमारे शरीर में जब जाता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और इस क्रिया के द्वारा शरीर को वापस से ऊर्जा प्राप्त होती है। इस स्लाइड में बताया है कि मानव जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा तीन रूप में लेता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के रूप में। और जब ये रासायनिक ऊर्जा वो लेता है तो उसके शरीर में जाके उसका उपापचय होता है, या उसका इन तीनों ही चीजों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि ऊष्मा का निर्माण होता है, और ये जो ऊष्मा होती है उसके शरीर के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए काम में आ जाती है। इसके साथ ही दो और चीजें भी बनती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, और वाटर का प्रयोग वह जो मानव है यह अपने शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों में काम में लेता है, और अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। यही चीज यहाँ पर समझाई हुई है। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें बताया है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीन न्यूट्रिएंट जो होते हैं छह में से वो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि हमने कहा ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा भोजन जो होता है वो ऊर्जा देने का कार्य करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीकरण हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली जो कि श्वसन के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं, साथ में जल बना और उष्मा बनी यानी ऊर्जा बनी जो कि हम अपने विभिन्न कार्यों में काम में ले रहे हैं। वसा का भी जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है और उष्मा यानी कि ऊर्जा बन रही है
जो कि हमारी विभिन्न दैनिक गतिविधियों के लिए काम में आ रही है। प्रोटीन जब भी ऊर्जा देने का कार्य करता है और इसका ऑक्सीकरण होता है हमारे शरीर में सबसे पहले, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है, उष्मा बनती है। पर साथ में क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इस कारण से यूरिया का निर्माण होता है और ये यूरिया जो होती है यूरिन या मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा की इकाई की। हमने बात कर ली उपापचय क्या है, हमने बात कर ली ऊर्जा क्या है। अब इस ऊर्जा को नापते कैसे हैं, उसकी इकाई क्या है। जैसे आप किसी का वजन लेते हैं तो किलोग्राम में लेते हैं, है ना, किसी की लंबाई नापते हैं तो किलोमीटर मीटर में नापते हैं। उसी तरह से ऊर्जा की इकाई होती है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी को अगर डिफाइन करना पड़े तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, मतलब किसी बर्तन में हमने 1 किलो पानी लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। हमने पहले टेम्परेचर नापा बच्चों 24 था। अगर उसका टेम्परेचर जब हमने 25 किया तो उस 24 से 25 करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा या ताप की मात्रा को ही किलो कैलोरी कहा जाता है। 1 किलो कैलोरी जो होती है वह 1000 कैलोरी के बराबर होती है ना। जैसे आपका 1 किलोग्राम वजन नापने की जो इकाई है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, उसी तरह से 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। एक वर्ड होता है बच्चों जो कि आजकल काम में लिया जाता है, मेगा जूल, है ना। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संघ बोल दे हम कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस, या अंतरराष्ट्रीय पोषण विज्ञान संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस जो है, उन्होंने ऊर्जा को नापने के लिए किलो कैलोरी के स्थान पर मेगा जूल का भी सुझाव दिया है कि हम मेगा जूल भी यूज कर सकते हैं। अगर हम मेगा जूल को डिफाइन करते हैं तो उसकी डेफिनेशन दे रखी है 1 न्यूटन बल से, मतलब बल यानी फोर्स। आप किसी चीज को धक्का देके हिला रहे हो तो वो जो बल है वो 1 न्यूटन का है। से 1 किलोग्राम वस्तु को, 1 किलो का वजन की जो चीज है उसको आपने 1 न्यूटन बल से आप प्रेशर दोगे और उसको कितना खिसकाना है, 1 मीटर की दूरी तक, ठीक है। यानी 1 न्यूटन बल से 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक चलाने के लिए जो ऊर्जा व्यय की जाती है वह 1 जूल के बराबर होती है। अब नीचे किलो कैलोरी और मेगा जूल में रिलेशन बताया है कि 1 किलो कैलोरी, जिसको इंग्लिश में के कैपिटल CAL लिखते हैं, है ना, 1 किलो कैलोरी जो होती है वह 4.186 जूल के बराबर होती है। और अगर हम इस किलो कैलोरी को 1000 किलो कैलोरी लिखते हैं, यानी इसके अंदर हमने 1000 को मल्टीप्लाई किया है तो नेचुरली यह भी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो उसे हम किलो जूल बोल सकते हैं। यानी 4.186 × 10³, मतलब 1000 हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 1000 बढ़ा है तो इधर भी 1000 बढ़ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे किलो जूल। और इस चीज को हम ऐसे ना लिख के, इतना बड़ा ना लिख के इसको बोल सकते हैं 1000 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 मेगा जूल के बराबर होती है। यानी आज के लेक्चर में हमने देखा कि उपापचय क्या है, ऊर्जा क्या है और ऊर्जा की इकाई क्या है। इन तीनों का आपको मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया है कि जस्ट आपको ये तीनों टर्म समझ में आए कि उपापचय क्या है, ऊर्जा क्या है और उसको नापा कैसे जाता है। नेक्स्ट क्लास जो होगी कि हम किस प्रकार से ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं भोज्य पदार्थों की, उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।